शेयर मार्केट में हम शेयर ट्रेडिंग के अलावा अक्सर एक शब्द और सुनते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि शेयर ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, हम इसमें किन चीज़ों की ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, आप इस छोटे पर बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमोडिटी ट्रेडिंग की बेसिक्स को जानें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। TrueInvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों, कमोडिटीज का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उन चीज़ों को कोई भी प्रोड्यूस करे हम उसे लगभग एक जैसा ही मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइस, व्हीट, ऑयल, LPG, गोल्ड और सिल्वर। और जिस तरह शेयर मार्केट में हम शेयर्स पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, ठीक उसी तरह हम कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में जनरली चार तरह के कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है। पहली है एग्री कमोडिटीज, जैसे कॉटन, कार्डमम, सोयाबीन, ब्लैक पेपर, शुगर, पल्सेस, कास्टर सीड, मेज और बार्ली। दूसरी है बेस मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल और जिंक। तीसरी है प्रीशियस मेटल्स, या जिसे हम बुलियंस भी कहते हैं। इसमें मेनली दो कमोडिटीज आती हैं, गोल्ड और सिल्वर। और चौथी है एनर्जी, जिसमें मेनली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आते हैं। दोस्तों, कमोडिटीज़ की ज़्यादातर ट्रेडिंग फ्यूचर डेरिवेटिव में होती है, यानी हम इन चारों तरह के कमोडिटीज़ पर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। एक बात जो कमोडिटी फ्यूचर्स को शेयर्स की फ्यूचर से अलग करती है वो ये है कि शेयर्स की फ्यूचर्स केवल 3 महीने के ही होते हैं, पर कमोडिटीज़ की फ्यूचर्स इससे कहीं ज़्यादा टाइम के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्रूड ऑयल के 6 महीने तक के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, वैसे ही कमोडिटीज की ट्रेडिंग कमोडिटी एक्सचेंज पर होती है। इंडिया में 6 मेन कमोडिटी एक्सचेंज हैं, वो हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, एस डेरिवेटिव एक्सचेंज और द यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। यानी कि हम जब भी कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा ट्रेड इन 6 एक्सचेंज के जरिए ही होगा। साथ ही कमोडिटी मार्केट की रेगुलेटर सेबी ही है, जो शेयर मार्केट को भी रेगुलेट करती है। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग क्रूड ऑयल और गोल्ड में होती है, और इन कमोडिटीज़ में वैसे लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं जो इसी फील्ड में काम करते हैं। जैसे गोल्ड की फ्यूचर्स में गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंपनियां ट्रेड करती हैं, या वैसे लोग ट्रेड करते हैं जिन्हें गोल्ड की अच्छी समझ है। ठीक उसी तरह क्रूड ऑयल में पेट्रोलियम कंपनियां ट्रेडिंग करती हैं, पर कई बार हमारे जैसे आम लोग भी कमोडिटी की ट्रेडिंग में समय के साथ एक्सपर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कमोडिटी में ट्रेडिंग करना शेयर्स में ट्रेडिंग करने से ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि किसी भी कमोडिटी का प्राइस काफ़ी कम समय में काफ़ी तेज़ी से चेंज हो सकता है। इसकी वजह यह है कि कमोडिटीज़ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फिजिकल सप्लाई डिमांड पर बेस्ड हैं। जैसे अगर सऊदी अरेबिया में ऑयल को लेकर कोई इशू हो जाए तो क्रूड ऑयल की प्राइस पर इसका बहुत इफेक्ट हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर इंडिया में शुगर की प्रोडक्शन ज़रूरत से काफ़ी कम हो जाए तो शुगर की प्राइस इंडियन कमोडिटी मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। दोस्तों, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग डेरिवेटिव में होती है, और डेरिवेटिव की ट्रेडिंग मार्जिन पर होती है। इस वजह से अगर हमारा ट्रेड गलत हो गया तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, पर अगर हमारा ट्रेड सही हुआ तो हमें मार्जिन की वजह से काफ़ी प्रॉफिट भी हो सकता है।
अगर हमें कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होने वाली किसी भी कमोडिटी में अच्छा नॉलेज है तो हम उसमें ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं। और कमोडिटी की ज़्यादातर ट्रेडिंग फ्यूचर्स में होती है, इसलिए अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो पहले आप फ्यूचर ट्रेडिंग को ज़रूर अच्छे से समझ लें। अच्छी बात यह है कि हमने फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें। हमने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर। हमने इसमें जाना कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, हम इसमें किन चीज़ों की ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियोज मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।